सुबह सुबह का टाइम है और हम इधर टहलने के लिए निकले हैं जिधर खेती बाड़ी होती है। और ये सड़कें हैं, सड़कें के किनारे दिख रही है झाड़ियाँ हैं और आकाश में बादल लगे हुए हैं। पक्षियाँ जो है अपने आवाज़ों में चहचहा रही हैं और ये झाड़ियाँ जो सड़क के किनारे लगे हुए हैं। और इधर धान की खेती की गई है जिसे चावल की खेती कहते हैं आप लोग। और इधर दूर दूर तक कोई घर या आशियाना नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे को जूम करके दिखाऊंगा। और ये बेहद खूबसूरत नज़ारा, ये जितने क्षेत्र में आप देख सकते हैं सब धान के फसलें लगाई गई हैं जिसे हम चावल कहते हैं। और इधर हम टहलने के लिए निकले हुए हैं, इधर भी है धान के फसल लगाए गए हैं और आकाश में बिल्कुल बादल और सूर्य जो है निकलने की स्थिति में है। बेहद खूबसूरत नज़ारा। इधर के लोग जहाँ रहते हैं वो समूह में रहते हैं और ये जो दो घर दिखाई दे रहे हैं जो आशियाने लोग बना के रहते हैं, इसी के आसपास और भी आशियाना आपको देखने को मिलेंगे जहाँ लोग समूह में रहते हैं। बाकी दूर दूर तक आपको कोई भी यहाँ पर ठहरने का कोई स्थान नहीं मिलेगा। और ये सड़क के किनारे जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। आगे मैं कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इस कैमरे के माध्यम से। तो आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नज़ारे आपको मैं इस चैनल के माध्यम से दिखाता रहूंगा और खूबसूरत नज़ारे जो यहाँ के वातावरण के हैं वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा इस कैमरे के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए जो समूह में लोग रहते हैं, यहाँ के कुछ मकाने हैं जो घरें हैं और पेड़ पौधे भी खूबसूरत, बेहद खूबसूरत नज़ारा। सड़कों के सहारे जा रहा हूँ और कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यही जो है धान की फसलें हैं जो लहलहाते हुए फसलें और आकाश से बिल्कुल बादल लगे हुए हैं। इधर के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं, जिस इलाके में मैं हूँ इधर के लोग ज़्यादातर खेती पर निर्भर रहते हैं। इन लोगों का व्यवसाय है खेती बाड़ी करना। और इधर की खेती के बारे में मैं बात करूँगा, मिट्टी के बारे में बताऊँगा कि मिट्टी इधर की कैसी है। और ज़्यादातर मिट्टी इधर जो दिखाई देती है बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है। मैदानीय क्षेत्र है ये और ये बिल्कुल सुनसान एरिया है। इधर जो है खेती बाड़ी होती है, लोग सुबह को निकलते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं, अभी आशियाने में चले जाते हैं। बट इधर अब कोई भी आशियाना देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं अभी कैमरे में दिखाया था वो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग रहते हैं अपना निवास बना के, जो जिधर अपना जो आशियाना बनाए हुए हैं, जो निवास स्थान बनाए हुए हैं, उधर लोग समूह में रहकर जो है सारे लोग उधर अपना निवास करते हैं और इधर खेती बाड़ी करते हैं। खेतों में अभी कोई किसान इधर नज़र नहीं आ रहे हैं और सुबह का टाइम है और मैं निकलने टहलने के लिए निकला हूँ। शरीर में अकड़न है, थोड़ी सी अंगड़ाई ले रही है, लेकिन बेहद खूबसूरत नज़ारा और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं
बिल्कुल बंगाल से खड़ी हुई खाड़ी से निकली हुई जो हवाएं हैं बिल्कुल ताज़ी और ताजगी दोनों है जो है एहसास दिला रही है। और हल्का हल्का जैसे लग रहा है कि ठंडी का मौसम है, जैसे ऐसे कुहरा टाइप का लगा हुआ है जिसे देख सकते हैं दूर दूर तक। आपको ये लगेगा कि जैसे ठंडी का मौसम में कोहरा निकल के सामने आ जाता है, वैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठंडी ठंडी जो हवाएँ चल रही हैं और आकाश में जो है बादल लगे हुए हैं। अभी सूर्योदय होने वाला है, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो में दिखाया भी हूँ। ऐसा मौसम बिल्कुल बेहद खूबसूरत होता है, और ऐसे जगह पे आपको घूमने को मिले तो ऐसा मौका आप मत छोड़िएगा, ज़रूर एक बार आइएगा और घूमिएगा ज़रूर। चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा यहाँ के कुछ मिट्टी के बारे में। हमें तो बहुत यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और यहाँ के लोगों की जो भाषाएँ वो तो बिल्कुल सुनने में थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन यहाँ के जो कल्चर हैं, जो रूरल क्षेत्र के लैंग्वेज हैं, वो अपने में ही लोग समझते हैं, बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये खूबसूरत नज़ारे, मोस्ट ब्यूटीफुल। और ये अनेक प्रकार के झाड़ियाँ हैं जो रोड के किनारे लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये ऐसे झाड़ियाँ जो है रोड के किनारे लगे रहते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और हमारे यहाँ भी ऐसे झाड़ियाँ देखने को मिलते हैं तो अक्सर होता है। जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पे अनेक प्रकार की झाड़ियाँ दिखाई देखने को मिलता है। एक बात तो यहाँ पे देखने को मिला है कि जो लोग खेतों में धान की फसलें लगाए हुए हैं उनमें छोटे छोटे जो है लकीरें लगाए हुए हैं, जो क्यारियाँ बोलते हैं, ताकि आसानी से फसलों को पानी से सींचा जा सके। और अभी मैं इधर टहलने के लिए अकेला ही आया हूँ, मेरे साथ में जो सहयोगी थे वो थोड़ा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण अभी वो लेटे हुए थे, तो कुछ नज़ारे देखने के लिए मैंने सुबह के टाइम इधर टहलने के लिए निकला, और बेहद खूबसूरत लगा मुझे, अच्छा लगा। ठंडा ठंडा मौसम और ठंडी ठंडी हवाएं जो बिल्कुल शरीर को छू के निकलती है तो एक अंदर अलग ही फील होता है, ताज़गी है, थोड़ा ठंडा की ठंडा भी महसूस हो रहा है क्योंकि आकाश में बादल लगे हुए हैं और हल्के हल्के जो है बारिश की बूंदें भी हो रही हैं। तो बेहद खूबसूरत ऐसे नज़ारे दिल को तो छू ही जाता है। आप जहाँ भी हो, अगर मैं इस क्षेत्र में आना होगा तो ज़रूर मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा चांस आप कभी भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर आइएगा। और ये जो इलाके के सड़कें हैं देख सकते हैं, बिल्कुल ये छोटी मार्ग बोल सकते हैं, लोग अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे मार्ग का निर्माण करते हैं, और जब उनकी जरूरतों की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे सिटी यानी शहर को जाने के लिए, ये मार्ग जो है उनके गांव से जोड़ती है, तो अच्छी बात है। यहाँ लोग अपने आवश्यकता के अनुसार हर एक चीज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। और ये धान की फसलें, इसमें थोड़ा पानी का जमाव दिखाई दे रहा है, और भी देख सकते हैं ये झाड़ियाँ, नाम तो मुझे पता नहीं, अगर मैं आप वीडियो देख रहे हैं और आपको पता है कि कौन सी झाड़ी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये फसलें, ये अच्छा लगा यहाँ पे देख के, जो है जो लोग यहाँ पे हैं वो बिल्कुल खेती पर ही निर्भर हैं, और यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती ही है, लोग अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करते हैं, और अच्छी बात है। चावल यहाँ के लोग बताते हैं कि गेहूँ की जो फसलें हैं वो भी यहाँ पे हो जाती हैं। तो ये जितने क्षेत्र देखते हैं मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पे ये कृषि प्रधान क्षेत्र एक तरफ से कहा जाएगा, ये कहा जाए तो कृषि प्रधान क्षेत्र है। और ये धान की फसलें कितनी खूबसूरत,
और आकाश में बादल देख सकते हैं, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी से सटे हुई है नज़ारे, जो उधर से टकरा के जो हवाएं आती है ना वो बिल्कुल शरीर को तरोताज़ा कर देती है। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता कैमरे को क्योंकि यहाँ पे ब्लर दिखाई दे रहा है, आप तो आप देख सकते हैं आकाश में बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ के जो है कल्चर के बारे में बताऊँगा कि लोग यहाँ पे किस चीज़ में ज़्यादातर विश्वास करते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि लोग जो है धर्म के माने तो दूसरे जो है हमारे क्षेत्र में जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, यहाँ पे भी लोग जो है किसी न किसी धर्म जाति से जुड़े हुए हैं और वो इन लोगों का श्रद्धा है, जिससे वो लोग उसमें अपना श्रद्धा जो आस्था रखते हैं। इस क्षेत्र में जादू टोना का ज़्यादा महत्व है। जब मैंने निकला तो लोग बोले कि अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे जो पार्टनर थे उनका स्वास्थ्य सही नहीं था इसलिए अभी सोए हुए थे, तो मैं अकेला ही निकल पड़ा इधर जो है। मैं सोचा कि टहल के आते हैं उसके बाद से नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको इस कैमरे के माध्यम से अपडेट करता रहूं कि ये जो नज़ारे हैं बिल्कुल हो सके कि आकाश में बादल नेक्स्ट टाइम ना देखने को मिले, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने कैमरे में ये तस्वीरें जो कैद किया वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये कैसा लगा नज़ारा आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इधर कुछ शरारती की गई हैं लोगों के द्वारा, जूम करके दिखाऊंगा। ये जो पिन्नी है आप इसे भी लोग आखिर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे वॉचिंग फ्रॉम वीडियो। जय हिंद।